ओम शांति। आज की तारीख है 27/11/22 और आज हम सुनेंगे फिर से अपने प्राण प्रिय अव्यक्त मूर्तधारी प्राण बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। और आज की रिवाइज कोर्स की तारीख है 31/12/92 92 की मुरली है। और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है सफलता प्राप्त करने का साधन क्या होगा। बाबा कहते हैं सब कुछ सफल करो, तो मीठे मीठे बाप दादा बोले आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। ये नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है, ये है ही नव युग की रचना के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं व एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन बाप और आप नव युग की मुबारक देते हो, सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नव युग अर्थात गोल्डन दुनिया सतयुग व स्वर्ग आया की आया, यही सेवा करते हो ना, तो यही खुशखबरी सुनाते हो ना, नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती है। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे। अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? बाबा कहते वो कुछ भी नहीं। अच्छा, याद प्यार देते हुए मीठे मीठे बाप दादा बोले सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले सदा नई जीवन और नव युग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन के अव्यक्त वर्ष की मुबारक, याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान शिव सतगुरु बाबा का परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं जो बच्चे बाप के साथ कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें
परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न करा देता है, कर देता है, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वो पा लिया, अब कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन है, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। अच्छा, ओम शांति।